ये बात तो आप हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक और महामुकाबले की तैयारी हो चुकी है। तारीख है 4 सितंबर शाम 7:30 बजे ये महामुकाबला शुरू हो जाएगा और इस महामुकाबले के लिए भारतीय फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है इस बार भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। लेकिन इस बीच टीम इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है, झटका ऐसा कि अब तो पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की नैया बीच मझधार में ही फंसती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के सुपर फोर मुकाबले से पहले टीम इंडिया को कौन सा बड़ा झटका लगा है, कौन सा दिग्गज और मैच विनर खिलाड़ी बाहर हो चुका है और उसकी जगह किस खिलाड़ी को मौका मिला है, रोहित ने किसकी वापसी करवाई है। आइए आपको बताते हैं पूरी डिटेल इसे खास एंड रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी हाँ, टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक और महामुकाबले की तैयारी कर लीजिए। तैयारी इस बात की क्योंकि पाकिस्तान चाहता है टीम इंडिया से बदला लेना और टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीधे फाइनल में जगह बनाना चाहता है। लेकिन इस बीच टीम इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है, झटका हम आपको बताएंगे क्या लगा। लेकिन उससे पहले टीम इंडिया का शेड्यूल भी बता देते हैं। शेड्यूल ये रहने वाला है कि टीम इंडिया का जो 4 सितंबर को मुकाबला है वो पाकिस्तान के खिलाफ है और उसके बाद 6 सितंबर को टीम इंडिया का मुकाबला श्रीलंका के साथ में खेला जाएगा और 8 सितंबर को होगा अफगानिस्तान के खिलाफ। वैसे तो फाइनल में जगह बनाने के लिए तीनों मुकाबले जीतने जरूरी है, यानी कि डू एंड डाई के मुकाबले है। लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ये मुकाबला जीत जाता है तो फिर भारत को रोकने वाला फाइनल में कोई नहीं है। लेकिन इस बीच भारत के लिए दिक्कत यह है कि भारत का एक मैच विनर ऑलराउंडर खिलाड़ी बाहर हो चुका है और उसकी जगह रोहित ने किस खिलाड़ी को शामिल किया है। अब ये बताने से पहले जानते हैं कौन सा खिलाड़ी बाहर हुआ है। तो जी हां, टीम इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताने वाला ऑलराउंडर धाकड़ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बाहर हो चुके हैं। चोट के चलते बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि रविंद्र जडेजा को बाहर किया जा चुका है। रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस देखी जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ जिस वक्त विकेट न गंवाने की बात थी, जडेजा आए, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन के लिए, तो अब यहां पर उन्होंने जिस तरह से पारी खेली वाकई में पाकिस्तान के खिलाफ पारी खेलकर कॉन्फिडेंस तो बहुत आया होगा। 29 गेंद में 35 रन बनाए, मैच को जडेजा ने फिनिश तो नहीं किया लेकिन जिताने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जडेजा का ही था। टीम इंडिया में अगर आप हांगकांग के खिलाफ देखें तो बॉलिंग बहुत ही शानदार करी है, मैच 3-4 का इकोनॉमी से। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रविंद्र जडेजा जो है वो वाकई में मैच विनर खिलाड़ी थे लेकिन अब चोट की वजह से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह अब अक्षर पटेल को मौका मिल चुका है। अक्षर पटेल है वो खिलाड़ी जो काबिले तारीफ है। अक्षर पटेल कहीं ना कहीं धमाका प्रदर्शन करते हैं। जी हां, अक्षर पटेल को शामिल कर लिया चुका है। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी है जो हालिया फॉर्म में भी शानदार दिखाई दे रहे हैं। अक्षर पटेल वो खिलाड़ी जो टच में दिखाई दे रहे हैं। स्टैंड बॉय के खिलाड़ी के रूप में इन्हें शामिल किया गया था लेकिन न केवल टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल हुए बल्कि अब तो प्लेइंग 11 में भी शामिल हो चुके हैं। जी आप मान लीजिए, क्योंकि जडेजा को रिप्लेस एक ही खिलाड़ी कर सकता है और वो है अक्षर पटेल। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।